ये है मनीषा कोइराला की बिल्डिंग और इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में मनीषा कोइराला का अपना घर है। आप लोग इंडियन मूवी और कच्चे धागे मूवी देखे ही होंगे, उस मूवी में इन्होंने हीरोइन का रोल अदा किया था। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी एक्ट्रेस का घर दिखाने जा रहे हैं जो बॉलीवुड में सभी स्टार के साथ धमाल मचा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला जी की। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि मनीषा कोइराला जी मुंबई में कहाँ रहती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उनकी जो मूवी है दिल से, गुप्त, संजू, इंडियन और सबसे बड़ा खिलाड़ी, सभी के साथ वो यहाँ पर मूवी कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सारी की सारी मूवी ना ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं। अभी हम मौजूद हैं वर्सोवा बीच के पास। तो गाइज आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं उनका घर कहाँ पर है और उनके घर की प्राइस और खासियत वगैरह सब कुछ क्या है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली गाइज मैं यहाँ पर मनीषा कोइराला की बिल्डिंग के सामने आ चुका हूँ। इसी बिल्डिंग में मनीषा कोइराला का अपार्टमेंट है और इसके आगे आशुतोष राणा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का घर है। तो ये जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में उनका खुद का अपना घर है जो पूरा सी फेसिंग इलाका है। और इस बिल्डिंग की सजावट जो बनावट है ना, काफ़ी मस्त है और काफ़ी शानदार है। इस बिल्डिंग का क्या नाम है आपको हम सब कुछ बताएंगे। और जो मनीषा कोइराला से कुछ जुड़ी बातें हैं, इनका जो भी जीवनी है, इनके घर में क्या क्या खास है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक गाइज बने रहिएगा। थोड़ा चलिए अब मनीषा कोइराला जी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों मनीषा कोइराला जी ने यहाँ पर खामोशी, सनम, अभय, कच्चे धागे, दिल से, मन, बॉम्बे, इंडियन और संजू और गुप्त जैसी मूवी में काम किया है। इंडियन हिंदुस्तानी मूवी जो आई थी 1996, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एक्ट्रेस जो है ना, वो इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती हैं। आप लोग बगल में एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मनीषा के घर में घुसते ही आप एक शानदार ड्राइंग रूम में पहुँच जाएंगे। देखिए ये बाहर से जैसी बिल्डिंग दिख रही है ना, अंदर से उससे भी ज़्यादा कमाल की है और शानदार है। मतलब इसके अंदर का इंटीरियर्स काफ़ी कमाल का बनाया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं घर के अंदर पेड़ का तना देखकर चौंक गए ना। बताते हैं आपको इसकी खासियत। तो इनके पीछे जो फोटो लगी है, इनके पीछे देखिए एक पेड़ का मोटा सा डहनी है और वो इसमें सजावट किया गया है। इनके इसी बिल्डिंग के अंदर जो इनका फ्लैट है ना, उसमें इसको सजाया गया है। ये दोनों तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि इस बिल्डिंग अपार्टमेंट में जहाँ पर वो रहती हैं, वो उसका लिविंग एरिया, डाइनिंग रूम कितना शानदार और जानदार होगा। बगल में आप लोग देख सकते हैं ये रहा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में लगी बेशकीमती पेंटिंग और शानदार झूमर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ आने के बाद खाना खाने के लिए आपको मुंह खोलने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गाइस देखिए यहाँ पर कितना शानदार अंदर का इंटीरियर्स है, कितना बढ़िया से इसको सजाया गया है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए गाइस आपको ये भी बता दें कि मनीषा कोइराला जी मूवी में कैसे काम करना शुरू किया और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, मतलब इनकी भी जीवनी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पर एक्ट्रेस इस समय रह रही हैं ना, मनीषा कोइराला, उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्राह्मण कोइराला परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला एक राजनेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं, जबकि इनकी माँ सुषमा कोइराला घर में काम करने वाली, मतलब एक गृहिणी हैं। उनका एक भाई है सिद्धार्थ कोइराला, जो कि वो भी एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। इनके परिवार के कई सदस्य लोग राजनेता अभी तक बन चुके हैं। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के प्रारंभ तक नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जी आपको बता दें कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला इनके चाचा थे। और जो इस बिल्डिंग में रहती है मनीषा कोइराला, उनको कौन नहीं जानता होगा। मनीषा कोइराला का जो प्रारंभिक जीवन है, जिसमें शुरुआत उन्होंने किया था, वो भारत में बिताया था। बल्कि इनकी राष्ट्रीयता जो है ना, वो नेपाली और भारतीय दोनों है। और कुछ वर्षों के लिए वाराणसी में अपने नाना नानी के घर इन्होंने बिताया, फिर उसके बाद दिल्ली और उसके बाद मुंबई। और गाइस इनकी शादी की स्टोरी तो बहुत ही विचलित करने वाली है।
ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के माध्यम से मिलने के बाद मनीषा कोइराला ने एक नेपाली व्यापारी सम्राट दहल के साथ दोस्ती की शुरुआत की थी, जो बाद में प्यार में बदल गया और सन 19 जून 2010 को उनसे शादी कर ली। लेकिन 2012 में ना दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और इनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। तो अभी मैंने आपको पिछला गेट दिखाया जहाँ पर मैं ये खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा था, ये वो दूसरा गेट था और जो पहला गेट है वो ये है। यहाँ पर देखिए आप लोग लिखा हुआ है बीचवुड टावर्स। जी हाँ, ये रहती हैं बीचवुड टावर्स में, जो कि ये आपको टावर्स दिख रहा है ना, इसी बिल्डिंग में इनका खुद का अपार्टमेंट है। पहले मनीषा कोइराला का एक डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया और अभिनय में कैरियर बनाने का फैसला किया और वो मुंबई में आकर बस गई। तो यहाँ पर देखिए ये बीचवुड टावर्स का मेन गेट है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ गाड़ियाँ भी अंदर पार्क हैं और काफ़ी अंदर का लंबा पार्किंग एरिया भी है, यानी दोनों साइड ये पार्किंग एरिया बनाया गया है। कोइराला ने अपने अभिनय यानी अपने कैरियर की शुरुआत सन 1989 में एक नेपाली फिल्म फेरी भटौला विशाल मीट अगेन से की, लेकिन 1991 में उनकी पहली हिंदी फिल्म जो है वो सौदागर थी, यानी बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा था वो मूवी सौदागर थी। इन्होंने गुप्त मन खामोशी और कच्चे धागे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी तो दी ही। 2017 में कोइराला ने जीवनी नाटक संजू में अभिनेता संजय दत्त की माँ एक महान अभिनेत्री नरगिस दत्त के रूप में काम किया है। उसी वर्ष उन्होंने एआर रहमान के रोमांटिक संगीत 99 गीतों में अभिनय भी किया। इतना ही नहीं, साल 2012 में मनीषा कोइराला को डिंब ग्रंथि के कैंसर की अपनी गंभीर बीमारी के बारे में पता चला और उन्हें मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर वह मेमोरियल स्लोअन कैरेंट कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में अपने इलाज के लिए यूएस चली गई। वहां पर उनकी सर्जरी हुई और बाद में कीमोथेरेपी से उसका इलाज किया गया। एक सफल सर्जरी के बाद और कई महीने अस्पताल में बिताने के बाद वह स्वस्थ हो गई और वापस इंडिया आ गई। मनीषा कोइराला ने बताया था कि उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो सिनेमा यानी फिल्मों में काम करे, क्योंकि उनके जो दादा थे ना वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। लेकिन मनीषा कोइराला ने अपनी दादी को मना लिया और अपनी माँ से अपने बर्थडे पे एक गिफ्ट मांगा कि हमें दिल्ली से मुंबई ले चलिए। और पहले ही उनकी माँ की एक फ्रेंड रहती थी मुंबई में और उनसे मनीषा कोइराला जी ने पहले ही कह दिया था कि आप हमारे लिए प्रोड्यूसर से और जितने भी फिल्म निर्माता हैं जितना हो सके हमारे लिए बात करके रखिए, हम जल्द ही मुंबई आने वाले हैं। और जैसे ही उन्होंने मुंबई आया और उन पे एक आध दो ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने भरोसा जताया और उनकी फिल्में चलने लगी। और दोस्तों इनके घर का आपको हम एड्रेस बता दें, बीचू टावर्स यारी रोड वर्सोवा में ये बिल्डिंग मौजूद है और इसी बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे आशुतोष राणा और यहाँ तक कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी घर है। मनीषा कोइराला की नेटवर्थ की बात करें तो अभी उनका नेटवर्थ करीब 13 मिलियन है, यानी कह लीजिए तो 85 करोड़ रुपए का उनके पास कुल संपत्ति है। और मनीषा कोइराला के पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की ब्लॉग में मैंने आपको मनीषा कोइराला का पूरा घर दिखा दिया है कि वो कहाँ पर रहती हैं। और गाइज इनके घर की प्राइस जो उन्होंने इसमें फ्लैट ले रखा है, बताया जाता है कि करीब 5 से 7 करोड़ के बीच में यहाँ पर उन्होंने अपना फ्लैट लिया है। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।